हेलो जी, नमस्ते एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीबॉडी। मेरा नाम है हिमानी एंड आई एम वेलकमिंग यू ऑन दिस ऑल न्यू सीरीज फ्रॉम द कंट्री व्हिच इज फेमस फॉर इट्स लैंडस्केप, डाइवर्स कल्चर, लवली पीपल, हिस्ट्री एंड ऑफ कोर्स coffee. Yeah, so I am going to take you around this country and we will explore together. But usse pehle shuru karte hain jahan se ye trip ki shuruaat hui. So let me take you to Delhi airport from where I started my journey. Hey everybody, so we just finished like a check-in or because I have a priority check-in, like मैंने Skyboss से travel कर रही हूँ, Vietjet Airlines से, so that's why priority check-in की वजह से जल्दी जल्दी हो गया, otherwise मुझे लगता है जिस तरीके की भीड़ थी आज check-in में, मतलब oh god it was crazy, so जल्दी जल्दी से हो गया। और क्योंकि immigration भी priority में होता है जब आप business class travel करते हो, तो Vietjet की Skyboss is business class, तो अभी हम lounge में जा रहे हैं, हमें free lounge access भी मिला है, let's go। एंड फिर चेक इन और इमिग्रेशन के बाद आई डायरेक्टली हेडेड टुवर्ड्स द प्लाजा प्रीमियम लाउंज, जिसका एक्सेस मुझे फ्री मिला था मेरे टिकट्स के साथ, स्काई बॉस मैंने बुक की, तो दैट्स व्हाई आई गॉट द फ्री लाउंज एक्सेस विथ Vietjet एयरलाइंस। आई एम ट्रैवलिंग दिस टाइम एंड आई एम किड यू नॉट गाइस, लाउंज में इतना सब कुछ सही हो जाता है ना, मतलब यू हैव मील, आराम से चिल करो, फ्री वाईफाई होता है, यूज करो एंड चिल मारो। या दैट्स व्हाट आई डिड। ओके गाइस, सो हम अभी लाउंज से गेट की तरफ जा रहे हैं, हमारी फ्लाइट का टाइम हो गया है। लाउंज में अच्छे से खा पी लिया है, अब वो फ्लाइट में जाके जो है एकदम सोने की तैयारी है, क्योंकि मेरा सोने का टाइम भी हो जाएगा लाइक 10:50 और अब 11:30 तक मैं सो जाती हूँ। तो यार दैट्स दैट, सर एयरपोर्ट में जिस भी टाइम पे आओ ना, वैसा लाइवली रहता है एकदम, सब कुछ ऐसे लाइवली रहता है, आई लव इट, I love the energy of airports, like anywhere in the world, anywhere. सो हम आ गए गेट के पास एंड बिफोर यू गाइज आस्क लेट मी टेल यू, आपको इंडिया की मेन सिटीज से Vietjet एयरलाइन की डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी टू होचिमिन सिटी, हनोई, डनांग, फुकोक। आपके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ दूंगी, तो आप वेबसाइट में चेक कर सकते हो। वेन यू आर प्लानिंग यू मस्ट चेक आउट, बिकॉज रिटर्न फ्लाइट टिकट जो है वो अंडर 20 के आपको मिल जाती है अगर आप प्रायोर बुक कर लोगे तो। या दैट्स ग्रेट। ऑल्सो मैंने अपनी फ्लाइट बहुत इंजॉय की बिकॉज ऑफ Skyboss, या मस्ट लेग स्पेस था, लेग रूम अच्छा था, और साथ ही साथ दे सर्व इंडियन मील्स ऑल्सो, वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन मील भी दे सर्व, सो दैट्स ग्रेट, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड आई एंजॉयड माई फ्लाइट और थोड़ी देर में सो भी गई। एंड कैसे हम लैंड कर गए 4 घंटे में हनोई मुझे पता ही नहीं चला, वी लैंडेड इन द मॉर्निंग एंड या माई फ्लाइट एक्सपीरियंस वॉज ग्रेट विथ Vietjet एयरलाइन। I like it this, don't worry. This is our first international trip. How are you feeling? First international trip with travel vlogger. No, not my first international. I've been to international. No, how lucky you're feeling. I've been to other countries alone. But for with her, this is my first international trip and I am feeling okay for now. Because I'll see how the trip goes. क्योंकि गर्मी धूप हो फालतू नहीं चलता है। तो हम लैंड कर गए हैं एवरीबॉडी, लैंड हो गए और सबसे आगे ऐसे हम ही निकले हुए हैं लाइक फर्स्ट, ऐसे वो जो फीलिंग है ना, ऐसे पूरा एयरपोर्ट वो फूल लगा रहे, देखो सामने गेंदे के फूल हमारे लिए बिछाए हैं पूरे एयरपोर्ट पे। सुबह सुबह भी शुरू है, मेरे को तो इतनी नींद आ रही है, मतलब आई एम वेरी स्लीपी राइट नाउ, मुझे ऐसा लग रहा है बस मुझे कोई ऐसे बेड दे दो मैं सो जाऊंगी। बताओ, यू शुड हैव टोल्ड दिस अर्लियर टू मी। यहाँ के हिसाब से 4:45 हो रहे होंगे, इंडिया टाइम के हिसाब से 3 बज रहे हैं, 1.5 घंटे का ही फर्क है ना आई थिंक बस। By the way guys, we landed this morning here and आप लोगों को पता है उसके बाद एयरपोर्ट के बाद आई डिडंट व्लॉग, क्योंकि
एकदम ऐसे ओवरनाइट फ्लाइट के बाद से एग्जॉस्ट हो जाते हैं. तो वी चेक्ड इन टू आवर होटल विच इज़ इन ओल्ड क्वार्टर एरिया, लाइक हनोई का एकदम सेंटर एरिया है. यहाँ पर हमने बुक किया है हिल्टन गार्डन इन. सो या रूम इज़ वेरी बेसिक एंड वेरी नाइस, लाइक अच्छा है, प्रिटी डिसेंट. अभी जब हम आएंगे पूरा क्लीन हो जाएगा तब मैं आपको रूम दिखा दूँगी. बाय द वे अभी हम रेडी हो गए हैं तो 12 बज चुके हैं, सो गए थे आने के बाद. तो अब हम निकल रहे हैं बाहर एक्सप्लोर करने के लिए हनोई. और हमारे पास ये वाला पूरा दिन है, मतलब आज का रात तक का टाइम है, हम हनोई एक्सप्लोर करेंगे. सो लेट्स गो, लेट्स बिगिन द डे. सबसे पहला काम है वो है सिम कार्ड लेना है, एंड सेकेंड थिंग इज स्कूटर रेंट करनी है. सो ये दो काम है, सबसे पहले ये करेंगे और उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे. लेट्स गो. आर यू रेडी? आर यू रेडी? या यस आई एम. ओके. हमें पड़ा वो 2 लाख वियतनामीज डोंग. इंडियन करेंसी में यहाँ पे कर दूंगी मैं अभी समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल कुछ भी. आई थिंक अप्रोक्स लेस देन 1000 रुपीज, राइट? लेस देन 1000 रुपीज फॉर अ मंथ. हम यहाँ पे हैं सिर्फ एक हफ्ते के लिए, बट एक हफ्ते के लिए भी नहीं, बट ले लिया क्योंकि 6 GB पर डे और बाकी दूसरे जो प्लान्स थे वो इससे ज़्यादा थे, लाइक 2,50,000 डोंग. तो कोई मतलब नहीं था इतने में हमें, अगर 6 GB पर डे मिल रहा है तो दैट्स ग्रेट. एंड वी कैन यूज़ हॉटस्पॉट ऑल्सो, बिकॉज आप हमेशा ये पूछ लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ कुछ सिम्स में आपको अलाउड नहीं होता है कि आप हॉटस्पॉट दे सको दूसरे किसी डिवाइस को. तो वो आप एक बार कन्फर्म कर लेना एंड देन कैन बाय इट. हमने ये एयरटेल का भाई बंधु जो भी है ये वो लिया है हमने. अभी हम जस्ट वॉक कर रहे हैं एंड वी रीच टू दिस लेक जो कि इस सिटी के बीच में है. इट्स इसको वेस्ट लेक बोलते हैं, यहाँ पर हनोई में है ये, एंड एकदम ही बीच के एकदम सेंटर, सिटी के सेंटर पे है. और यहाँ पे एक ब्रिज भी है जिसको जहाँ पर हम अभी जाने वाले हैं. सो या चलते हैं, लेट्स गो. बहुत ही ऐसे वेदर इतना अच्छा है ना कि वेदर गॉड को थैंक यू बोलने का मन कर रहा है, बट जिंक्स नहीं करना चाहती मैं. धूप नहीं हो तो अच्छा है, बस ऐसा ही रहे. वेरी गुड, प्लेजेंट. तो जैसा कि ये हॉप ऑन हॉप ऑफ टूर जो है वो होता है ऐसे टाइप की गाड़ियों में, ये एकदम ही टूरिस्टी लाइक आपको सिटी के स्पॉट ऐसे घुमाएंगे. तो इफ़ यू आर लाइक शॉर्ट इन टाइम और आपको ऐसा लगता है कि आप इसे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हो, बस बैठ के घूमना है आपको, बस सिटी का ऐसे टूर लेना है, तो दिस इज़ फॉर यू. और हम जैसे लोगों के लिए हम ऐसे वॉक करके अपने हिसाब से घूमते हैं. तो चॉइस इज़ योर्स. वेल यार, we are searching for a vegan cafe or restaurant or something, so we found one. Abhi let's go and see ki kya milta hai, but I am quite interested looking this menu. Yahan pe kya hai ek bar check kar lete hain, if we have something for us we can. They have all. विचित्र, पहली बार इस तरीके के रिक्शे में मैं बैठी हुई हूँ. जी, तो हम आ गए अभी हनोई ट्रेन स्ट्रीट में. यहाँ पर
इट्स लाइक टोटल दैट काइंड ऑफ अ वाइब जो मैं थाईलैंड गई थी वहाँ पे ट्रेन स्ट्रीट की थी. बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे अदर साइड रोड है और इस तरफ से ट्रेन की जो लेन है वो जा रही है और पता नहीं ट्रेन का टाइमिंग क्या है और हम बैठ के कोकोनट वाटर पिया, अभी कोकोनट खा रहे हैं. मैम बहुत ही क्यूट क्यूट से कैफेज हैं, यू कैन जस्ट चिल सिट एंड जस्ट अनवाइंड. लाइक आपका दिन थक जाओ चल चल के, उसके बाद इधर आ जाओ बैठ जाओ, बहुत सारे कैफेज हैं. हम आगे दूसरे कैफेज में भी जाएंगे, थोड़ा पिक्चर विक्चर भी क्लिक करेंगे बिकॉज आपने तो आपने कुछ नहीं पिया. बाय द वे मेरा ऐसे अंदर से गट्स नहीं बोल रहा था एग कॉफी के लिए, अदरवाइज वियतनाम में एग कॉफी इज अ फेमस. लाइक इफ आपने एग कॉफी नहीं पी तो लाइक ट्राई करना चाहिए. एग कॉफी हम पियेंगे लेकिन एग अलग से और कॉफी अलग से पियेंगे, ये हमने डिसाइड किया. वियतनाम आए तो वियतनाम में जो फेमस है वो तो करना ही है, लेकिन एग अलग और कॉफी अलग, बस इतना ही बताना था. ओवर टू इसकी बात मत सुनो, एग कॉफ़ी मैं नहीं ट्राई कर सकती बिकॉज मुझे सोच के ऐसा डिस्गस्टिंग सा लग रहा है. मुझे लगता है मेरा कॉफ़ी पर से ऐसा विश्वास उठ जाएगा इफ मैंने ट्राई कर ली तो. बट या अभी भी हम यही ट्रेन स्ट्रीट में ही बैठे हुए हैं, कैफे चेंज कर लिया है, यहाँ पे ऊपर सिटिंग है, अभी कोई ट्रेन पास होने का टाइम नहीं है सो वो तो हार्ड लक. बट फिर चिल करते कॉफ़ी पीते हैं, फ्रेंच फ्राइज खाते हैं और उसके बाद फिर हम देखते हैं कहाँ जाएंगे. एवरीबॉडी थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद डिसाइड किया कि चलो अब बाहर कुछ डिनर के लिए चलती हूँ. तो यहाँ पर ये मुझे कैफ़े दिखाया द वीगन वेज कैफ़े द वेज करके. सो लेट्स गो एंड हैव अर्ली डिनर, 7:30 बज रहे हैं तो अभी चलते हैं. 10 मिनट का वॉक है होटल से, जाके कुछ खाते हैं. और नाइट मार्केट पहले सोचा था जाने के लिए, बट टुमारो इज सैटरडे तो सैटरडे का जो मार्केट होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है. और नाइट मार्केट सैटरडे नाइट मार्केट इज़ अमेजिंग, वेरी गुड. मैंने चियांग माई चियांग राई थाईलैंड में भी देखा था तो उस हिसाब से विल गो एंड एक्सप्लोर मार्केट टुमारो. अभी के लिए विल हैव डिनर एंड बस विल कॉल इट अ डे. दिखा था एंड हमारे होटल से सिर्फ 10 मिनट दूर था. इट्स वेरी क्यूट, वेरी नाइस एंड द मेन थिंग इज लाइक बहुत ही क्यूट है, लाइक एकदम. और मेन एरिया में यहाँ पे ऐसे नाइट ऐसे वॉकिंग स्ट्रीट टाइप का भी लगा हुआ है एंड एवरीथिंग इज लिट अप, वेरी नाइस, गुड वाइब्स. और सबसे अच्छी बात, खाने के बहुत सारे ऑप्शन है. वीगन कैफ़े है क्योंकि ये ऑर्गेनिक वीगन कैफ़े, तो खाने के भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट. चलो देखते हैं हम क्या ऑर्डर करते हैं. देयर आर सो मैनी थिंग्स लाइक आपको, बट मैं अगर प्राइस वाइज भी डिसेंट है, ठीक है, मतलब ओके okay. क्योंकि यहाँ पे बाहर भी अगर हम कुछ खा रहे हैं तो 50,000 वियतनामी डोंग इतना तो है. हाँ, तो उस हिसाब से दिस इज़ फाइन. लाइक जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट फलाफल 65K, वीगन फ्रूट ओट मिल, दिस इज़ तो ब्रेकफास्ट मेन्यू. बट अगर मैं आपको नॉर्मल मेन्यू दिखाऊं जैसे कि पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा 129K विच इज़ फाइन. आई मीन हाउ मच, कितना होता है 129K? हम कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं बट 129K इज़ 400 rupees. हाँ, 400 rupees का पिज़्ज़ा विच इज़ फाइन. लेट्स सी हम क्या ऑर्डर करते हैं.
फिर आपको बताते हैं कि एक्चुअल में टेस्ट कैसा है, क्योंकि ऑब्वियसली दिख तो अच्छा रहा है, अभी टेस्ट खाना खा के पता चलेगा क्या है इसमें. मशरूम, टोफू और ये सब. नॉट गुड, वेस्ट. ओ, खाने में तो हमारा पचका हो गया है, देख सकते हो आप, हमारा टेबल दिखा दो. हमने बहुत ही ऐसे आधा खाना खाया है और आधे से ज़्यादा छोड़ दिया है, बिकॉज अच्छा नहीं लग रहा है. मतलब नो गुड फीलिंग ऐसे जो होती है ना, से खा के अच्छा, एक तो टेस्ट भी अच्छा नहीं आ रहा है और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा खा लेंगे तो फालतू में तबीयत तबीयत थोड़ी ख़राब ना हो जाए. सो एक एक दो दो स्लाइस पिज़्ज़ा का खाया है, और बिकॉज इसमें एग प्लांट इन्होंने बहुत ज़्यादा डाल दिया, मुझे लगा था कि हिंट होगा एग प्लांट का और मशरूम ज़्यादा होगा, बट ऐसा लग रहा है बैगन का भरता डाल दिया इन्होंने पिज़्ज़ा ब्रेड के ऊपर, विच इज़ नॉट गुड. और इससे बेटर हमने जहाँ आफ्टरनून में खाया था वो ज़्यादा बेटर था, लाइक एटलीस्ट डिसेंट था वो. तो यस, दैट्स द रिव्यू. अभी हम बाहर चलते हैं, थोड़ा सा वॉक करेंगे अराउंड द स्ट्रीट. यहाँ पे पूरा मार्केट लगा हुआ है, नाइट मार्केट, और मैकडी में देख लेंगे, कुछ खाने को मिल जाता है तो विल हैव समथिंग, अदरवाइज विल गो एंड स्लीप.